हम जा रहे थे बाहर घूमने, लेकिन अचानक हमें दिख गया यहाँ पे आ गया दशहरा, तो रावण का रावण दहन ना। अब हम जा रहे हैं रावण दहन देखने, दिखाते हैं ना उससे जाके दिखाएंगे तो अच्छे से दिखेगा। तो हम आपको दिखाते हैं रावण दहन फ्रॉम हैदराबाद। तो ये है हमारा रावण, अब हम चलते हैं फ्रंट से वहाँ से दिखाएंगे। चलो वहाँ से पब्लिक है, बहुत सारे लोग हैं, मज़ा आएगा। पता नहीं कितने बजे का है। सो ये है हमारा रावण, पूरा जलेगा और पानी में खड़ा है ये। यहाँ नीचे पानी है, दक्षिणा तिवारी, सो वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और ये स्पेशली एक व्लॉग होने वाला है, व्लॉग की पूरी सीरीज आने वाली है। तो व्लॉग की सीरीज इस रीजन से आ रही है क्योंकि मेरे ये पापा मम्मी और भाई आए हुए हैं घूमने हैदराबाद, और हम लोग एक लंबी वेकेशन पे जाने वाले हैं। और ये हमारा छोटा बच्चा है, ये हमारी मम्मी है, और ये बच्चा मेरा पैसा नहीं निकाल रहा, ये मेरे पापा बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहा है। अगर आप लोग शायद इससे बोलो तो पैसे निकालेगा। बच्चे पैसे निकालोगे? बच्चा पैसा देगा? बच्चा हंस रहा है, मालिक जालिक यही है इधर पैसा देने के लिए भाई। बच्चा पैसे दोगे? सही है, पैसा दे देंगे। अब अभी लोकल घूमने वाले हैं हैदराबाद में, तो अभी हम लोग जा रहे हैं कि यहाँ फेमस बीजा मंदिर करके बोलते हैं चिरकुर बालाजी, वहाँ जा रहे हैं। वहाँ से एक आध दो चीजें और कवर करने वाले हैं, जैसा भी होगा मैं इस पे अपडेट दूंगी। और बने रहिए हमारे ब्लॉग में। हाँ, कुछ इंटरेस्टिंग हमें मिला है ये है, और ये बहुत सारे हैं, सब बैठी है। और पीछे भी आप यहाँ बहुत सारे देख सकते हो। हम लोगों को ज़्यादा कुछ खास दिखा नहीं, हम लोगों ने कि ये छोटी सी जगह ली है यहाँ पे पीछे जो दिख रही है, और यहाँ पे हम अपना फूड खोलने वाले हैं और बैठ के खाने वाले, फिर यहाँ से निकलने वाले हैं चिरकुल बालाजी के लिए, और जिसमें हमारे बच्चे का मुँह बन गया है और हमारे पिताजी भी बैठ रहे हैं। बस हो गया, यही का सीन चल रहा है। तो अभी हम पहुंच गए हैं एक संस्थान में, संस्थान का नेम क्या है, एग्जैक्ट नेम तो साइड लिखा हुआ है, कोई संस्थान है। अंदर चलती हूँ, देखती हूँ क्या, रैंडम यहाँ पे हम लोग पहुँचे हुए हैं, देखते हैं यहाँ क्या क्या है जो हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो भी है हम आपको एक्सप्लेन करेंगे फिर बाद में। तो यहाँ कुछ ऐसा सीन है, भीड़ बहुत सारी लगी हुई है और लोग बैठे भी हुए हैं। कमल धाम इसका नाम है, कमल धाम संस्थान है कोई। अब अंदर क्या है पता नहीं, चलो मंदिर पहले चलते हैं सबसे पहले, फिर कमल धाम में हम भी फोटो खिंचाएंगे। यहाँ कमल धाम कोई दे रहा है कि कोई अपना लेकर आया है? तुम दूसरा के आइटम में हो जाओगे। चलो उडपी पॉइंट क्या लिखा है? अरे चाट वाट सब है उधर, बहुत सही है ये, इधर पूरा खाने खाने का मिला है। पापा का भी कैमरा चल रहा है, पता नहीं क्या रिकॉर्ड हो रहा है बट चल रहा है, ऐसा नहीं है। उसी कॉपी करके दिखाओगे? बाल नहीं बनाए आज? थोड़ा सा चाय पिया जाए, तो अभी हम जा रहे हैं चाय पीने। क्या अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? एक्का सिक्का नहीं, चाय पीने जा रहे हैं, अभी हम चाय पीने वाले। रुको थोड़ा, पापा लोग आ जाए, चाय पियेंगे और देखते हैं और क्या है, और ज्यादा दिख नहीं रहा है। तो अभी हम पहुंच गए हैं चिरकुर बालाजी का मंदिर, और थोड़ी सी यहाँ भीड़ भी दिख रही है, बट अच्छा है कि हम लोग गाड़ी बहुत आगे तक लेकर आ गए हैं, और सभी लोग पीछे चल रहे हैं, बाकी के नहीं है अपने घर के, बाकी के मत काउंट करिएगा, इतने सारे नहीं है। जी के
के दर्शन फाइनली हम लोग को हो गए। 4 तक हमें वेट करना पड़ा, इसके बाद लाइन में लगना पड़ा, इसके बाद हो गए। अब हम मूव कर रहे हैं, इस्कॉन मंदिर जाने वाले हैं, उसके बाद शायद कुछ खाने भी जाएंगे। अच्छा, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं खाए हैं। इस कहां से नहीं बता रहा, लो मैप भी हमारा साथ छोड़ चुका है, डायरेक्शन नहीं बता रहा है। और मेरी मम्मी बहुत खुश है यहाँ पे दर्शन करके। और हमारा बच्चा आज बहुत बहुत जयकारे लगाया है, लेकिन गोविंदा की जगह गोविंद्रा बोल रहा था, उसको बोला भी गया गोविंदा नहीं जय गोविंद्रा बोलता था गोविंद्रा। अब इस बात पे वो उसका मूड थोड़ा लटक रहा है, अच्छा नहीं फील हो रहा उसको। बोलता है इतना जयकारे भी मैंने लगाए और ये तो सही नहीं हो रहा है। जिन्नू हो गया ठीक है, गोविंद्रा वो अपना नाम ही चेंज कर लेंगे। जिन्नू आए हुए हैं इस्कॉन मंदिर में, तो आप लोग यहाँ पे दर्शन भी कर सकते हो इस्कॉन मंदिर के। श्री गौरताई की जय, श्री श्रीनाथ भगवान की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। अभी हम पहुंच चुके हैं खाना खाने, और रेस्टोरेंट में बहुत ही ज्यादा भीड़ है, और बच्चा खाने का वेट कर रहा है। यहाँ पे सारे सभी खाने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि खाना ऑर्डर हुआ है, एटलीस्ट 15 मिनट लगने वाले हैं।